हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इवोल्यूशन आईएएस। गाइस, मॉडर्न इंडिया की सीरीज चल रही थी हमारी, और इस सीरीज़ में आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइस, आज का लेक्चर है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाइस राइस, और सिर्फ ये प्लेन सा लेक्चर नहीं है कि बस एज इट इज स्पेक्ट्रम के कॉन्टेंट को बस बता दिया, नहीं, आपको एक ऑसम ट्रिक मिलने वाली इस वीडियो के मिड में और लास्ट में। उस ट्रिक के बाद आपको ये जो क्रोनोलॉजी है कि जितने वाइस राइस आए, गवर्नर जनरल्स आए, अब इनके वाइस राय, अब जो क्रोनोलॉजी को रिटर्न करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज जस्ट दो तीन लाइनें हैं कहानी के टाइप पे, अगर याद कर लोगे तो आप उसको कभी नहीं बोलोगे, ठीक है। सो पहले तो हम स्पेक्ट्रम में जो एज इट इज जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है, ठीक है, सिर्फ उसी इन्फॉर्मेशन को रिटेन करेंगे और इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है गाइस, ठीक है। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट इज योर वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, पहला गवर्नर जनरल बंगाल का था, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट जो वॉर्स इसके टाइम पे लड़ी गई, तो देखो आजकल यूपीएससी गाइस वॉर वगैरह फोकस नहीं कर रहे, कौन सी लड़ाई कब लड़ी गई, ठीक है। यूपीएससी यूज्ड टू आस्क दिस क्वेश्चन इन 90s 80s, ठीक है, बट यू नेवर नो, यूपीएससी जज्बाती हो जाए फिर से पूछ दे, तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे डाल रखा है। सो प्लीज़ हैव लुक। अब यहाँ पे यूपीएससी फोकस आजकल कर क्या रही है, यूपीएससी पूछ सकती है कि जो ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन हुई थी किन के बीच में हुई थी, तो मराठास एंड ब्रिटिशर्स, ठीक है, किसके टाइम पर हुई थी, वॉरेन हेस्टिंग्स। अब एक बात यहाँ पे माइंड में रखो कि वॉरेन हेस्टिंग्स का जो टेन्योर था 1773 से 1785 तक, 12 साल का टेन्योर था गाइस। सो एक बहुत लंबा टेन्योर था इसका, तो ये बहुत रेयर है एक्चुअली, ठीक है। इसके टाइम पे और इंपॉर्टेंट काम क्या हुए थे आप और भी देख सकते हो, इसके अलावा यहाँ पे मैंने बहुत इंपॉर्टेंट वालों को मेंशन किया है, ठीक है। सो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई गई थी इसके टाइम पे, मतलब लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे गाइस, ठीक है। इंग्लिश ट्रांसलेशन भगवत गीता एंड एंड ऑफ ड्यूअल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन इन बंगाल, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा स्टेप था एक। तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स हुआ, फिर आपका कॉर्नवालिस, इसने बहुत सारे पुलिस वगैरह में रिफॉर्म किए थे, जुडिशल रिफॉर्म्स किए थे, और उसी के लाइन में गाइस आपका एक कॉर्नवालिस कोड, ठीक है। अब परमानेंट सेटलमेंट बंगाल जब पढ़ते हो तो ये परमानेंट सेटलमेंट बंगाल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, 1793 के अंदर। और यहाँ पे टीपू सुल्तान के साथ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये टीपू सुल्तान के साथ साइन होती है। प्लीज़ हैव अ चेक कि ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम किसके साथ में साइन होती है, और उसको प्लीज़ कमेंट करो। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, ठीक है, इट वॉज साइंड बिटवीन आंग्लो एंड टीपू सुल्तान, ठीक है। सो नेक्स्ट इज लॉर्ड वेलेस्ली, 1798 से 1805 तक। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक रिफॉर्म आता है गाइस, यहाँ पे वेल्सली ने सब्सिडरी अलायंस के सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, और दो इंपॉर्टेंट वॉर लड़ी गई थी, जो फोर्थ मैसूर वॉर, जो कि बहुत कंक्लूसिव था, ठीक है, कि उस बेल्ट में कौन रूल करेगा, और दूसरा आंग्लो आंग्लो मराठा वॉर, ठीक है, सेकेंड आंग्लो मराठा वॉर। सो अब है लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड मिंटो नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट आप देख लो कि अमृतसर साइन हुई थी रंजीत सिंह जी के साथ में, ठीक है। अब लॉर्ड हेस्टिंग्स न्यूज़ में था गाइस, द हिंदू में था, पता है क्यों, इसलिए कि लॉर्ड हेस्टिंग्स ने उस टाइम पे साइन किया था ट्रीटी ऑफ सांगली। अभी नेपाल के साथ काला पानी का डिस्प्यूट चल रहा था हमारा, सो काला पानी के डिस्प्यूट के टाइम पे ये ट्रीटी ऑफ सांगली वापस से न्यूज़ में थी, 1816 में साइन हुई थी। अब इस ट्रीटी के डिटेल्स को प्लीज़ गूगल करो, पढ़ो, बिकॉज इस बार का प्रीलिम्स में एक पोटेंशियल क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। अब लॉर्ड हेस्टिंग्स, देखो लॉर्ड हेस्टिंग्स नाम क्यों कन्फ्यूजिंग, बिकॉज देर वॉज वॉरेन हेस्टिंग्स, अब लॉर्ड हेस्टिंग्स। अब आगे जो ट्रिक आने वाली है उस ट्रिक में आपको ये इशू आएगा ही नहीं, बिकॉज लॉर्ड हेस्टिंग्स कब था, वॉरेन हेस्टिंग्स कब था, ठीक है। सो येस, अब देर वॉज डिसोल्यूशन ऑफ मराठा कॉन्फेडरेसी, ठीक है, द ग्रेट मराठा फेल डाउन। और यहाँ पे क्या होता है, एक और इंपॉर्टेंट रिफॉर्म आता है, इसको आप देखो यहाँ पे फिर से ध्यान रखना कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रैयतवाड़ी सिस्टम। अब देखो रैयतवाड़ी सिस्टम हुआ था मद्रास में, अब यहाँ पे देखो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया था, ठीक है, यहाँ पे जो था थॉमस मुनरो था, थॉमस मुनरो इंट्रोड्यूस्ड और यू कैन से इस्टेब्लिश द सिस्टम ऑफ रैयतवाड़ी, कहाँ पे, मद्रास के अंदर, ठीक है। आप प्लीज़ हैव लुक, गूगल कर सकते हो या अपना स्पेक्ट्रम चेक करो कि ये जो रैयतवाड़ी सिस्टम था इंडिया के कौन कौन से पार्ट्स में इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। आपको एमसीक्यूज में कभी कभी बहुत कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस मिलते हैं, सो जस्ट टू टैकल दोज क्वेश्चंस यू नीड टू डू सम रिसर्च लाइक दिस, राइट। अब देखो लॉर्ड एमहर्स्ट, फर्स्ट बर्मीज वॉर, ठीक है। नेक्स्ट इज लॉर्ड विलियम बेंटिंक, इसके टाइम पे मुझे लगता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट ये गवर्नर जनरल रहा था, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम हुए थे, रिफॉर्म्स हुए थे, अबोलिशन ऑफ सती सिस्टम, बहुत ही एक मैग्निफिसेंट रिफॉर्म था गाइस, बिकॉज अबोलिशन ऑफ सती इट वाज वेरी इनह्यूमन। सो नेक्स्ट यहाँ पे है कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 पास हुआ था, एंड सप्रेशन ऑफ थगी, इन्फेंटिसाइड एंड चाइल्ड सेक्रीफाइस, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट काम हुए थे लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पे, ठीक है। और इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आया था 1835 का, और मेडिकल कॉलेज खोले थे कलकत्ता के अंदर, मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल कलकत्ता के अंदर, इंग्लिश एजुकेशन, चाइल्ड सेक्रीफाइस, थगी का सप्रेशन, और फिर अबोलिशन ऑफ सती सिस्टम, किसके टाइम पे गाइस,
लॉर्ड विलियम बेंडी के टाइम पे, ठीक है। सो लॉर्ड ऑकलैंड और लॉर्ड हार्डिंग ये दो हैं। अब देखो एक के टाइम पे अफगान जहाँ पे वार वगैरह हुआ है शायद ही क्वेश्चन आएगा उसके ऊपर, ठीक है, और ना ही आप बहुत अच्छे से याद कर पाओगे। सो लेकिन हाँ एक माइंड में रखो कि अगर कर सको तो कर लो गाइज, बट ज़्यादा फोकस रखना कि जो इस टाइप के इंपॉर्टेंट काम हुए, ठीक है, या कोई कमीशन आया था, कोई ट्रीटी साइन हुई थी, ठीक है। सो वहाँ पर ध्यान रखना। अभी देखो जैसे ट्रीटी ऑफ लाहौर किसके टाइम पे, लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे साइन हुई थी ट्रीटी ऑफ लाहौर, ठीक है, फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुआ था, ठीक है। यहाँ पे शायद से रंजीत सिंह जी की डेथ हो गई थी उसके बाद ही वार हुआ था, ठीक है, एंड ट्रीटी ऑफ लाहौर वॉज साइंड। एंड अबोलिशन ऑफ फीमेल इन्फेंट्रीसाइड किसके टाइम पे, लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे, लॉर्ड डलहौसी, सेकेंड एंग्लो अफगान वार, एनेक्सेशन ऑफ बर्मा और लोअर, जिसको लोअर बर्मा कहते हैं और उसका एक और नाम बेगू उसको बोलते हैं। स्पेक्ट्रम लिख रखा है मैंने यहाँ पे, सब कुछ कॉपी नहीं किया, बट बिकॉज यहाँ छोटा सा बस रिवीजन कराना है, मेन फोकस हमारा ट्रिक पे, उस क्रोनोलॉजी को हम कैसे याद करें, ठीक है। सो अब इंट्रोडक्शन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब देखो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यहाँ पे लेके आया था कौन, लॉर्ड डलहौसी, ठीक है, और चार्ल्स वुड डिस्पैच यहाँ पे जो एजुकेशन के लिए था गाइस, तो ये इसी के टाइम पे आया था, लॉर्ड डलहौसी के टाइम पे वुड्स डिस्पैच जो था चार्ल्स वुड का, ठीक है। अब लेइंग डाउन द फर्स्ट रेलवे लाइन, अब यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट काम हुए थे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की फील्ड में। अब पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो आज देखते हो, इसकी नींव रखी थी लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है, ये 1848 से 1856 तक था, ठीक है। नेक्स्ट लॉर्ड कैनिंग गाइस, इसी के टाइम पे जो रिवोल्ट ऑफ 1857 आप देख सकते हो हुआ था, रिवोल्ट ऑफ 1857, ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है गाइस स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में, ने भी पहले भी 90s में बहुत बार इस पे क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, कि अब जब 1857 का जब रिवोल्ट हुआ या फिर भारत जब आज़ाद हुआ था उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था या ब्रिटिश पीएम कौन था। और देखो इन इवेंट्स पे नहीं देखना कि ब्रिटिश का पीएम कौन था जब इंडिया आज़ाद हुआ था, तो चलो मैं साथ साथ में आपको बताता जाऊँगा तो आप एक्स्ट्रा फोकस कर सकते हो, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग वॉज द गवर्नर जनरल। अब देखो ये इंडिया का पहला वायसराय भी था, अब आगे देखोगे, ठीक है। अब इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 यूनिवर्सिटीज़ एट कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, ठीक है। अबोलिशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी का अबोलिशन हुआ था गाइस, और जो पावर की ट्रांसफ़र हुई थी, ठीक है, क्राउन ने टेक ओवर किया था यहाँ पे। अब यहाँ पे इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 का पास हुआ था जब ये लॉर्ड कैनिंग, देखो लॉर्ड कैनिंग क्या था, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था और फर्स्ट वायसराय था, ठीक है, तो सारे इवेंट्स यहाँ पे कन्वर्ज होते हैं। लॉर्ड कैनिंग वॉज लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एज वेल एज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, ठीक है। सो अब देखो जॉन लॉरेंस, लॉर्ड लिटन, ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट देख सकते हो आप, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट्स एट कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे क्या हुआ था कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी, देखो कन्फ्यूजन कभी नहीं होना चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 यूनिवर्सिटीज़ एट कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे, लेकिन लॉरेंस के टाइम पे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट्स एट कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास, ठीक है, लॉर्ड लिटन। तो लॉर्ड लिटन के टाइम पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, ठीक है, आर्म्स एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, अफगान वॉर। अब यहाँ पे क्वीन विक्टोरिया ने अपने आप को कैसे हिंदी बना लिया था कि, ठीक है, कि अब टाइटल ले लिया, अब क्या है, किसी ने अपने आप को नोबेल प्राइज़ घोषित कर लिया, अब किसी ने अपने आप को चलो भारत रत्न घोषित कर लिया, तो वो कुछ नहीं है, बस एक इवेंट है जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। क्वीन विक्टोरिया एज द टाइटल ऑफ कैसर ए हिंद, क्वीन एम्प्रेस ऑफ इंडिया, ठीक है, किसके टाइम पे, लॉर्ड लिटन नाम याद रखना, बिकॉज यहाँ पे देखो अब यहाँ पे लॉर्ड लिटन, रिपन, थोड़े थोड़े से कन्फ्यूजिंग नाम आएंगे, तो आपको यहाँ पे बार बार रिवाइज करना पड़ेगा गाइस, या फिर कुछ अगर नेमोनिक्स डेवलप कर सको, कुछ अगर कोई भी अगर लग रहा है कि इसको कनेक्ट कर सकते हैं रिपन को किसी और वर्ड से, याद हो जाए, बस याद करना है गाइस, एग्जाम पास करना है तो फिर उसके लिए कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, लॉर्ड रिपन, देखो इसके जस्ट बाद है। अच्छा एक बात और गाइस, इस लिस्ट में कुछ एक दो नाम मिसिंग होंगे बिकॉज मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट है नहीं, यूपीएससी के पिछले 40 ईयर्स के पीवाईक्यूज मैंने चेक किए, उन पे क्वेश्चन बने ही नहीं थे, ठीक है। अब अपनी बैड लक देखो, ऐसा नहीं होगी कि मतलब क्वेश्चन ही आ जाएंगे उसके ऊपर, बिकॉज स्पेक्ट्रम में तो है ही ये वीडियो आपके सपोर्ट के लिए, बिकॉज कोई भी वीडियो लेक्चर, कोई वीडियो सीरीज़ आपके आपके सोर्स की अल्टरनेटिव हो ही नहीं सकती है, ठीक है। सो ये सेकेंडरी है, ठीक है। सो लेट्स हैव अ लुक, लॉर्ड रिपन के टाइम पे क्या हुआ, देखो जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन के टाइम पे आया था वो यहाँ पे रिपील होता है। लॉर्ड रिपन के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट काम हुए थे एंड ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियाज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ पे हंटर कमीशन आया था, यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2018 क्वेश्चन ही था गाइस, स्टेटमेंट में था ये, हंटर कमीशन 1882 के अंदर आया था हंटर कमीशन, जस्ट होल्ड ऑन। सो यस, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई थी गाइस यहाँ पे, अब इनकी डिटेल्स आप देखना स्पेक्ट्रम में, मैंने बस आपका एक छोटा सा रिवीजन करा रहा हूँ बिकॉज अभी जल्दी से हम ट्रिक पे आना है हमें, ठीक है। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट
इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, हंटर कमीशन, रिपील ऑफ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था लिटन के टाइम पे और रिपन के टाइम पे रिपील हो गया। ठीक है, सो नेक्स्ट योर टफरिन कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस इस्टेब्लिश हुआ था इसके टाइम पे, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के टाइम पे। ठीक है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस को अब ए ह्यूम ने मिलकर इस्टेब्लिश किया था, और लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड लैंसडाउन गाइस, तो देखो यहाँ पे सेकंड फैक्ट्री एक्ट आता है। एक फैक्ट्री एक्ट हमने यहाँ पे देखा, देखो किसके टाइम पे, रिपन के टाइम पे। सेकंड फैक्ट्री एक्ट आता है लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम पे। देखो जितने सारे नाम हैं ये लग रहे हैं अभी कि ठीक है लैंसडाउन है, डफरिन है, हम कैसे इसको लाइन से याद करेंगे, पहले कौन आया बाद में कौन आया। ठीक है, अभी बस बस मे बी 5 to 6 मिनट्स। ठीक है, लॉर्ड लैंसडाउन, सेकंड फैक्ट्री एक्ट, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 किसके टाइम पे गाइस, लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम पे। ठीक है, और डूरंड कमीशन, अब बताओ डूरंड कमीशन किसके बीच में था, किसके लिए था, ये था इंडो अफगान बाउंड्री लाइन। ठीक है, ये बाउंड्री लाइन कमीशन था। अब आगे देखो रेड क्लिफ कमीशन आया था, ठीक है, फिर मैक मोहन कमीशन आया, तो ये सारे कमीशन आप इंपॉर्टेंट हैं याद रखना, क्वेश्चन बहुत बार आए हैं। ठीक है, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, कर्जन को देखो, कर्जन ने पहली बार क्या किया कि पुलिस कमीशन को अपॉइंट किया। ठीक है, और यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़, अब कर्जन के टाइम पे ही देखो इंडिया का जो बंगाल था उस टाइम बंगाल पार्टीशन हुआ था गाइस। ठीक है, किसके टाइम पे, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे बंगाल पार्टीशन हुआ था। इंडिया यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1904 इसी के टाइम पे कहा गया था कि इंडियन यूनिवर्सिटीज़ आर हाउस ऑफ सेडिशन। ठीक है, टुकड़े टुकड़े गैंग या आज़ादी जो भी था, मतलब जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं मीडिया में, तो उस टाइम पे यूज़ किए जाते थे इन ब्रिटिशर्स के द्वारा बंगाल की यूनिवर्सिटीज़ के लिए। ठीक है, तो इसीलिए इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट लाया गया था। अब इसके डिटेल्स स्पेक्ट्रम में जो दे रखे हैं आप उसको प्लीज़ गो थ्रू करो, क्वेश्चंस बने हैं 2018 के स्टेटमेंट में था इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट वाला, सो प्लीज़ हैव अ लुक। लॉर्ड मिंटो 1905 1910, स्वदेशी मूवमेंट, सूरत स्प्लिट ऑफ कांग्रेस, जब सूरत स्प्लिट हुआ कांग्रेस में, जब कांग्रेस का स्प्लिट हुआ मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स का, तो उस टाइम पे जो वाइस राय था कौन था गाइस, लॉर्ड मिंटो मिंटो सेकंड था। ठीक है, एक मिंटो वन ऊपर में देख रखा है हमने। अब देखो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग बनाई गई। अभी देखो ये मिंटो इस लॉर्ड मिंटो क्या क्या बोलते हैं इसको, फादर ऑफ इंडियाज यू नो क्या बोलते हैं, जो कम्युनल हार्मोनी थी कंट्री की लगभग यहाँ पे बिखरने लगी थी, और इसका मतलब एक होता है ना कि एडिंग फ्यूल टू द फायर, ये जेंटलमैन थे लॉर्ड मिंटो। ठीक है, सूरत स्प्लिट हुआ, एस्टेब्लिशमेंट मुस्लिम लीग। अब आगे चल के आप देखोगे पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स के बाद क्या कहते हैं फाउंडेशन स्टोन ऑफ हिंदू महासभा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लॉर्ड हार्डिंग के टाइम, लेकिन हिंदू देखो ये जो मुस्लिम लीग बनी थी पहले बनी थी 1906 के अंदर, और 1915 के अंदर बनी थी हिंदू महासभा। ठीक है, सो लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 1916 के बीच में था ये। कैंसिलेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, जस्ट टू यू नो, जब उस टाइम पे क्या हुआ कि जब पूरा पूरी कंट्री की जो एक होता है ना कि मतलब नेशनलिस्ट टाइड थी, एंटी ब्रिटिश हो रही थी। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स को मजबूरी में, बट इसका कोई इफेक्ट हुआ नहीं था कुछ खास, बस एक दिखाने के लिए था। ठीक है, कैंसिलेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, सॉरी यस व्हाट हैपेंड गाइस, यस कैंसिलेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, ये इवेंट बहुत याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली कब हुआ था, 1911 में हुआ था, उसी टाइम पे एक इनका कोई प्रिंस वगैरह कोई आया था। ठीक है, प्रिंस 14 समथिंग लाइक दैट, मैं नाम अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। सो ये लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे हुआ था। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हिंदू महासभा एक इंपॉर्टेंट इवेंट है गाइस। सो यस, लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 तक था ये, लखनऊ पैक्ट साइन होता है। ठीक है, यहाँ पे फिर धीरे धीरे क्या होता है, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट का फिर रीयूनियन होता है गाइस। और चंपारण सत्याग्रह एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, गांधी का अराइवल है। अच्छा, पूछा जाए कि गांधी का अराइवल जब इंडिया में हुआ तो उस टाइम पे इंडिया में गवर्नर जनरल सॉरी वायसराय कौन था, तो वायसराय वाज लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से लेकर 1921 तक था। अभी देखो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, फिर उसका रॉलेट एक्ट गाइस, और जलियांवाला बाग इनह्यूमन एक्ट, इनह्यूमन जो इंसिडेंट हुआ जब सैफुद्दीन किचलू और सतपाल की रिहाई के लिए गाइस, जब अमृतसर के अंदर जो इवेंट हुआ था, सो प्लीज़ गो थ्रू कीजिए।
सो लॉन्च ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्च ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स एंड, देखो एक वीडियो जो आएगा सारे मूवमेंट्स के ऊपर आएगा, ठीक है। सो उनमें हम सारी डिटेल्स को देखेंगे एक एक करके। अभी यहाँ पे बस क्रोनोलॉजी वाइज हम देख रहे हैं, ठीक है। सो नॉट ओनली गवर्नर जनरल्स, लेकिन बाकी इवेंट्स की भी क्रोनोलॉजी चल रही है, ठीक है। सो आप ये माइंड में रखना। लॉर्ड रीडिंग, चौरी चौरा का इंसिडेंट, ये 1921 से लेकर 1926 तक था, और चौरी चौरा का इंसिडेंट हुआ था इसके टाइम पे, ठीक है। और क्या किया गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया था, ठीक है। स्वराज पार्टी इस्टेब्लिश होती है। प्लीज़ कमेंट करके बताओ स्वराज पार्टी के लीडर्स कौन थे, दो इंपॉर्टेंट लीडर्स, एक तो मोतीलाल नेहरू, सेकंड वाले कौन थे। प्लीज़ कमेंट, जो भी वीडियो देख रहे हो प्लीज़ कमेंट। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्वराज पार्टी, लीडर्स का नाम लिखो, ठीक है। काकोरी की ट्रेन रॉबरी उसी टाइम पर होती है 1925 के अंदर। नाउ योर लॉर्ड इरविन, 1926 टू 1931, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं गाइस। देखो साइमन कमीशन आता है भारत में, ठीक है, जिसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं होता है, सो इंडियंस प्रोटेस्ट करते हैं इसके अगेंस्ट में, ठीक है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लीडर की डेथ होती है, लाला लाजपत राय की। तो यहाँ पे देखो एक सिविल सर्विसेज 2017 का क्वेश्चन है, बटलर कमीशन, हरकोर्ट बटलर, इंडियन स्टेट्स कमीशन। तो बटलर कमीशन गाइस इंडिया में कब आई थी, बटलर कमीशन आई थी 1927 में, उस टाइम पे। अब देखो ये इंडियन स्टेट्स के लिए था, ठीक है। सो अब देखो एक बार इस टॉपिक पे क्वेश्चन आ चुका है, उसको थोड़ा सा रिसर्च और करना, बिकॉज यूपीएससी में ऐसा नहीं कि एक बार क्वेश्चन आ गया तो आएगा नहीं, यूपीएससी में ज़्यादा है। एक बार जिस टॉपिक पे क्वेश्चन आ गया यूपीएससी उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी स्टेटमेंट में दे देगी। सो प्लीज़ थोड़ा सा इसके बारे में एक्स्ट्रा पढ़ लेना कि बटलर इंडियन स्टेट्स कमीशन जो 1927 के अंदर आया था, उस टाइम पे इंडिया का वायसराय लॉर्ड इरविन था, इसके डिटेल्स में थोड़ा जाना, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट बहुत बार आया क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट और दीपावली डिक्लेरेशन और लाहौर सेशन, देखो लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई गाइस 1929, और यहाँ पे गांधी का दांडी मार्च और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो देखो सारी क्रोनोलॉजी की तरफ ध्यान दो। बटलर कमीशन 27 में आया, नेहरू रिपोर्ट 28 में, दीपावली डिक्लेरेशन 29 में, लाहौर सेशन 29 में, और फिर दांडी मार्च 1930 के अंदर। दांडी मार्च और जो सिविल डिसोबीडियंस, बिकॉज दांडी मार्च के बाद लॉन्च हो गया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जिसे हिंदी बोलते हैं सबने अवज्ञा, समथिंग लाइक दैट गाइस, सो आई फॉरगॉट दैट। सो यस लॉर्ड इरविन, और यहाँ पे पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, और उसके बाद गांधी इरविन का पैक्ट होता है 1931 के अंदर, ठीक है। गांधी इरविन पैक्ट 1931। तो पूरी क्रोनोलॉजी आप याद रखना, ठीक है। एक क्वेश्चन तो आता ही है इसकी क्रोनोलॉजी वाइज आप उसको अरेंज करो, तो आप वहाँ पे क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट लॉर्ड विलिंगटन, अब यहाँ पे कमनवेल्थ अवार्ड अनाउंस होता है, गांधी का फास्ट एंड टू डेथ शुरू हो जाता है, फिर सेकेंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होते हैं, और पूना पैक्ट, ठीक है। पूना पैक्ट किन के बीच में हुआ था गाइस, प्लीज़ कमेंट करके बताओ, एक महात्मा गांधी, दूसरा कौन, प्लीज़ कमेंट गाइस, कमेंट करोगे देखो लिखोगे आप बिल्कुल याद रहेगा, ठीक है। सो लॉर्ड विलिंगटन 1931 से लेकर 1936 तक, इसके टाइम पे क्या क्या अनाउंस हुआ, कमनवेल्थ अवार्ड और सेकेंड, हाँ एक चीज़ याद रखना, कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे और सॉरी और सारे कॉन्फ्रेंसेस किसी एक वायसराय के अंदर नहीं हुए थे। देखो लॉर्ड विलिंगटन के अंदर क्या हुआ था, सेकंड थर्ड वाला हुआ था सॉरी, और लॉर्ड इरविन के अंदर पहला वाला हुआ था, फर्स्ट वाला इनके टाइम पे और सेकंड थर्ड वाला लॉर्ड विलिंगटन के टाइम पे। अब 1936 यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लॉन्च होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका लॉर्ड विलिंगटन 1936 टू 1944। अब यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर का आउटब्रेक होता है और कांग्रेस की जो पूरी मिनिस्ट्री है सारे पूरी रिजाइन दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे त्रिपुरी क्राइसिस का, इस यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस से क्या कनेक्शन है इसका, कुछ याद आता है, त्रिपुरी क्राइसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक 1939। तो सारे इवेंट्स को ध्यान में रखो, त्रिपुरी क्राइसिस, फॉर्मेशन ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक 1939। अब यहाँ पे मुस्लिम लीग का लाहौर सेशन होता है गाइस। अब देखो यहाँ पे पाकिस्तान की डिमांड बिल्कुल समझ लो कि रफ्तार पकड़ने लगती है, बिकॉज मुस्लिम लीग ने ऑलरेडी हिंदू मुस्लिम और बाकी हिंदू महासभा मुस्लिम लीग ने सबको बिल्कुल दो पार्ट में कर दिया था, ठीक है। कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था इस टाइड को रोकना गाइस। सो यहाँ पे क्या होता है, लाहौर सेशन होता है मुस्लिम लीग का, जो कि एक बहुत हिस्टोरिक सेशन था, ठीक है ठीक है। उसके बाद अगस्त ऑफर आता है 1940 के अंदर। अब यहाँ पे देखो कि वर्ल्ड वार में कैसे इंडियन सेंटीमेंट्स को या फिर इंडियन सोल्जर्स को अपने पाले में लिया जाए, सो ब्रिटिश ने सारे बिल्कुल तरीके लगा दिए, ठीक है। क्रिप्स मिशन आता है 1942 के अंदर, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट, करो या मरो का नारा आता है महात्मा गांधी का, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है, कैप्टन मोहन सिंह का रोल आपको शायद याद होगा, स्पेक्ट्रम एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी होगी तो, ठीक है। लॉर्ड लिविंगथो यहाँ पे 1936 से 1944 तक, देखो इतना याद रखना कि लॉर्ड लिविंगथो जब यहाँ का क्या कहते हैं, जब वायसराय था तो उस टाइम इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था, बिकॉज
ये सब चीज़ें इसलिए बोल रहा हूँ कि यहीं पे क्वेश्चन बनेंगे कन्फ्यूजिंग टाइप के, ठीक है। सो वहाँ पे आप मिस नहीं कर सकते। हाँ, अब आता है टाइम आज़ादी का। लॉर्ड वावेल, ठीक है, तो यहाँ पे सिराज गोपालाचारी का फॉर्मूला होता है, आखिरी कोशिश होती है, ठीक है, कि किसी तरीके से अब रिफॉर्म्स लाया जाए, फ्रेंडशिप बढ़ाई जाए, ताकि पाकिस्तान का जो है वो है ना बंटवारा ना हो, पार्टीशन ना हो। अभी देखो कि वावेल प्लान आता है, शिमला कॉन्फ्रेंस होता है। सो अब इन सारे इवेंट्स के डिटेल्स आपका स्पेक्ट्रम बहुत अच्छे से दे रखे हैं गाइस, सो प्लीज़ हैव अ लुक, पे अटेंशन। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके जो बनेंगे वो बंगाल का जो पार्टीशन होता है 1905 के अंदर, इंडिया आज़ाद हुआ था, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके इन एरियाज में बनेंगे, ठीक है। सो अगर मॉडर्न इंडिया से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं गाइस, सो 4 से 5 क्वेश्चन आपको इन एरिया से बनेंगे, और 1-2 क्वेश्चन आपके क्या कहते हैं जो स्पेक्ट्रम के लास्ट में दे रखे हैं जो अपेंडिक्सेस उनसे आएंगे। तो प्लीज़ आप थोड़ी स्मार्ट तैयारी कर सकते हो। प्लस प्लस यहाँ पे देखो, हाँ, तो लॉर्ड वावेल के टाइम पे ये इवेंट्स होते हैं, कैबिनेट मिशन, डायरेक्ट एक्शन डे, ठीक है, फिर अनाउंसमेंट ऑफ एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया बाय क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली कौन था गाइस? ये पीएम था ब्रिटिशर्स का। सो ये क्वेश्चन मुझे ईयर नहीं याद है, यूपीएससी ने पूछा था, ठीक है, जब इंडिया आज़ाद हुआ तो ब्रिटिश का पीएम कौन था, ठीक है, क्लेमेंट एटली। तो गाइस अब हाँ, अब है लड़का माउंटबेटन। तो अभी माउंटबेटन बहुत ही स्मार्ट खेला था उस टाइम पे, और इसी के टाइम पे आई थी आपकी रेडक्लिफ कमीशन, मैंने इससे पहले बताया था आपको, जैसे मैकमोहन कमीशन, डूरंड कमीशन। अभी गाइज याद करो कि डूरंड कमीशन किसके टाइम पे आया था। तो गाइज स्पेक्ट्रम में जो लिखा है सो लिखा है, बट आप 1-2 A4 शीट में इसको लिख लो, और उसको बार बार कोशिश करो कि वीक में एक बार अब से, बिकॉज प्रीलिम्स अभी हार्डली 3.5 मंथ, नॉट 3.5 मंथ, मान लो 3 महीने दूर है, 90 दिन दूर है। इसको एक बार नोट कर लो 2-3 पेजेस में, उसको हर वीक में एक बार रिवाइज करो, बिकॉज ऐसे ऐसे एरियाज गाइज हर टॉपिक में, हर सब्जेक्ट में ऐसे कुछ कुछ एरियाज, जैसे ज्योग्राफी में क्या है गाइज, रिवर सिस्टम है, हम वीडियो लेके आएंगे उसके ऊपर, लेकिन आपको सजेस्ट करेंगे किसी वीडियो और बुक से हट के एक बार जब अंडरस्टैंडिंग बन जाए, कोई ट्रिक मिल जाए, तो उस ट्रिक को आप एक बार नोट कर लो अपनी कॉपी में, अपने उस या डायरी रख लो एक इस टाइप की, जो सारे शॉर्टकट्स हों उसमें हर सब्जेक्ट के, फिर उसको हर वीक में एक बार देख लो, बिकॉज ये आपके फिंगर टिप्स में होने चाहिए, नहीं हुए तो फिर प्रीलिम्स में गाइज बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। बट या इट्स वेरी पॉसिबल, अभी बहुत टाइम है, अभी कर सकते हो आप, ठीक है। सो यहाँ पे देखो कि इंडियन इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 47, यहाँ पे किसके टाइम पे? लॉर्ड माउंटबेटन। तो गाइज ये रही, ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन कि जितने भी वाइस राज थे उसके पहले, जितने भी गवर्नर जनरल थे उनके टाइम पे क्या कौन से काम हुए, ठीक है, कब कांग्रेस बना, कौन से किसके टाइम पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, किसके टाइम पे रिपील हुआ, ठीक है। अब रिवोल्ट ऑफ 1857 में जैसे देखो कैनिंग के टाइम पे हुआ, डलहौजी ने क्या किया, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो एज इट इज़ सेम है, स्पेक्ट्रम से कुछ भी अलग नहीं है इसमें। तो अब देखो ये सारी इन्फॉर्मेशन देख ली, अब देखना है हमें ट्रिक, ठीक है, जो इस वीडियो बनाने के पीछे का मकसद था, वो थीम था। तो पहले एक रिविज़न हो गया, तो हमें आइडिया लग गया एक बार फिर से। अब देखो, हाँ, स्टोरी टाइप है गाइस, पहले देखो यहाँ पे स्पेलिंग पे बहुत सीरियसली मत जाना कि सर ने स्पेलिंग में क्या मिस्टेक कर दिया, सर को स्पेलिंग नहीं आती है, कोई इशू नहीं, हैव अ लुक। ये पहले जो 60 साल है ना, 1773 से लेके 1833, 1773 टू 1833, दी 60 ईयर की क्रोनोलॉजी को पहले देखते हैं। हंसकर जॉन ने विल को 12 मिनट में हंसा दिया, कॉमेडियन होगा। सो हंसकर जॉन ने विल को 12 मिनट में हंसा दिया। तो गाइस हंसकर इसको कनेक्ट कर सकते हो क्या हेस्टिंग के साथ में, हेस्टिंग्स, ठीक है, हंसकर। अब कर को के आर लिख सकते थे, लेकिन कार लिखा है। हंसकर जॉन ने विल को 12 मिनट में हंसा दिया, सी आर बोले तो कॉर्नवालिस, हंसकर तो हेस्टिंग्स कॉर्नवालिस ने विल को, ठीक है, हंसकर जॉन ने विल को 12 मिनट में, तो जॉन से क्या हो, जॉन आपका जॉन शोरे हो गया, जॉन शोर, शोरे या शोर जो भी कह लो, हंसकर जॉन ने विल को 12 मिनट में हंसा दिया, ठीक है। विल कौन है, विल है वेलजली, ठीक है। 12 मिनट, तो 12 कौन है, जॉन बार्लो या फिर जो भी होगा, ठीक है, तो बार्लो 12 मिनट में हंसा दिया। मिनट कौन है, अभी देखो मिनट 2 बार आएगा, ठीक है, तो एक मिंटो 1 है, ठीक है, जब मिंटो 2 आएगा तो उस टाइम पे ट्रिक जो जिस टाइप से होगी गाइस, आप समझ जाओगे कि ट्रिक उसी टाइप से डिज़ाइन की गई है, ठीक है। हंसकर जॉन ने विल को 12 मिनट में हंसा दिया। देखो मैं जानबूझ के रिपीट कर रहा हूँ गाइस, मेरा कोई मकसद नहीं कि वीडियो की वॉच टाइम बढ़ाऊँ, मेरा मकसद ये है कि इतनी बार रिपीट मैं भी आपके साथ कर लूँ कि आपको एक बार तो यहीं पर याद हो जाए, जब आप लिखोगे उसके बाद 3-4 बार रिपीट करोगे गाइस, फिर वहाँ पर मुझे थैंक यू बोलना। तो चलो, हेस्टिंग्स कॉर्नवालिस जॉन शोर वेलजली, ठीक है, फिल ने 12 मिनट में हंसा दिया, तो मिनट से क्या हुआ, मिनट हो गया, हंसा दिया हेस्टिंग्स, हेस्टिंग भी दोबारा आएगा। सो दिया, अब दिया में जो ए है ना, दिया के अंदर जो ए है,
ये आपका आर्महर्स्ट, ठीक है, जॉन आर्महर्स्ट होगा या फिर जो भी होगा, प्लीज़ हैव लुक, स्पेक्ट्रम साथ में रखना गाइस, जो जहाँ पे भी शॉर्टकट्स हो, सो प्लीज़ हैव लुक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अगले पे आते हैं, ये तो पूरा हो गया 60 साल। नेक्स्ट 1833 से लेके 1856 तक, देखो मैं और बंटी कोई दोस्त हैं, ठीक, कहीं पे अब अजंता एलोरा का टूर करते हैं या फिर मिले वहाँ पे, मिलने गए, तो वी एंड बंटी मेट एट एलोरा एंड हैड दाल। वी मतलब हम लोग, दो तीन लोगों का ग्रुप है, बंटी के साथ मिले, कहाँ पे मिले, एलोरा में, हैड दाल, दाल मखनी, बिकॉज वी मेट टुगेदर, ठीक है, सो वी हैड सम दाल मखनी फूड समथिंग लाइक दैट। सो अब देखो वी एंड बंटी, गाइस यहाँ वी एंड बंटी एक ही है, वी एंड बंटी एक ही है बिकॉज विलियम बेंटिक, ठीक है। सो गाइस ट्रिक है यार, दिल पे नहीं लेना कि अब ये क्या कर दिया, दो लोगों को एक में कैसे मिला दिया। सो विलियम बेंटिक मेट, बोले तो मेटकाल्फे, लॉर्ड मेटकाल्फे था जिसके टाइम पे कुछ प्लेस वगैरह का इशू हुआ था। सो बी एंड बंटी मेट एट एलोरा, एलोरा कौन, एलेनब्रोक जो था इनका गवर्नर जनरल, ठीक है, मेट एट एलोरा, एलोरा कौन गाइस, देखो है जस्ट है, होल्ड ऑन, या एलोरा से एलेनब्रोक, एलोरा एंड हैड, हैड से क्या हुआ, हार्डिंगे, लॉर्ड हार्डिंगे जो था वो आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है, और हैड दाल, दाल से डलहौजी, ये तो सबसे इजीली याद हो जाएगा, ठीक है, डलहौजी हो गया। वी एंड बंटी मेट एट एलोरा एंड हैड दाल, विलियम बेंटिक मेटकाल्फे एलेनब्रो हार्डिंगे डलहौजी, डन। अब 1857 का जो रिवोल्ट होता है उसके जस्ट पहले और बाद की बात है। तो अभी देखो इसमें लास्ट, मैंने फिर रिपीट करता हूँ, लास्ट गवर्नर जनरल है और फर्स्ट वायसराय है, कौन है, कैनिंग है। सो अब देखो पढ़ो इसको, करेंट इंग्लिश लॉ में ब्रिक लिट्स एंड रिप डफर्स हु लैंड इन सेकेंड इंग्लिश कंट्री। देखो यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है, बस इस लाइन को आपको याद करना होगा, या फिर अगर इससे अच्छी कोई लाइन डेवलप कर सकते हो प्लीज़ कमेंट करो, ठीक है। करेंट इंग्लिश लॉ में ब्रिक लिट्स एंड रिप डफर्स, इसकी मीनिंग निकालने की कोशिश करो कैसे भी, अगर निकाल सको तो। करेंट इंग्लिश लॉ, अभी की जो इंग्लिश लॉ है, में ब्रिक लिट्स एंड रिप डफर्स, देखो थोड़ी सी ऑफेंसिव लैंग्वेज हो सकती है बिकॉज ये ट्रिक मैंने 2017-18 में लिखी थी डायरी में अपनी, ठीक है, सो नो ऑफेंस, याद करना है गाइस, कुछ और अगर उसकी जगह पे मेंशन कर सकते हो कर लो, इम्प्रोवाइजेशन इज़ मोस्ट वेलकम, डू इट बाय योर ओन। करेंट इंग्लिश लॉ में ब्रिक लिट्स एंड रिप डफर्स हु लैंड इन सेकेंड इंग्लिश कंट्री, राइट। सो अब देखो करेंट इंग्लिश लॉ के बारे में बात करते हैं पहले, तो करेंट इंग्लिश लॉ, देखो करेंट बोले तो कैनिंग, इंग्लिश बोले तो लॉर्ड एल्गिन, लॉ बोले तो लॉरेंस, तीन हो गया, करेंट इंग्लिश लॉ कैनिंग एल्गिन लॉरेंस, लॉ में ब्रेक लिट्स एंड रिप डफर्स, ठीक है, में ब्रेक लिट्स, में ब्रेक बोले तो लॉर्ड मेयो, ठीक है, लॉर्ड मेयो, नॉर्थ ब्रुक, लिटन, कैसे, लॉ में ब्रेक, ठीक है, ब्रेक से क्या आ गया, नॉर्थ ब्रुक, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक था, ठीक है, मे ब्रेक लिट्स एंड रिप डफर्स, ठीक है, तो लिट्टन, लिट्स बोले तो लिट्टन, रिप डफर्स, तो रिप से क्या होगा, सॉरी रिप से आ गया गाइस रिपन, लॉर्ड रिपन आ गया, ठीक है, तो लिट्टन रिपन पास पास में था, तो लिट्स और रिप याद रखोगे ना तो ये कन्फ्यूजन नहीं आएगी, पहले लिट्टन था या पहले रिपन था, ठीक है। अब इतना याद रखना कि लिट्टन ने जो खराबियां की उसको रिपन ने सुधारा, और रिपन ने अच्छे काम किए थे, ठीक है, जो अब डिटेल्स आपने पहले देख रखे। अब देखो डफर्स हु लैंड इन सेकेंड इंग्लिश कंट्री, डफर्स हो गया ना, डफर्स से क्या हुआ, डफरिन हुआ, डफर्स हु लैंड इन सेकेंड इंग्लिश कंट्री, हु लैंड, लैंड से क्या हुआ, लैंडस्टोन, इन सेकेंड इंग्लिश कंट्री, सेकेंड पता है क्यों लिखा है, सिर्फ इंग्लिश कंट्री भी लिख सकते हैं, लेकिन सेकंड इसलिए लिखा है कि ये यहाँ पे इल्गिन टू है, इल्गिन वन पहले देखो यहाँ ऊपर में आ चुका है, ठीक है, इल्गिन वन जो है गाइस यहाँ पे ऊपर में आ चुका है, यहाँ पे फिर से इल्गिन है, तो हु लैंड इन सेकंड इंग्लिश कंट्री, आप प्लीज़ इसको रिपीट कर सकते हो, दोबारा से सुन सकते हो, ठीक है, तो मैंने बहुत बार रिपीट कर लिया, हाँ लास्ट में क्या, कंट्री, कंट्री बोले तो कर्जन, लॉर्ड कर्जन था ना, 1905 बंगाल का पार्टीशन तो इसने ही कराया था। अभी हो गया लास्ट बार, देखो 60 साल इधर, फिर आपके 1856 तक, उसके बाद 1905 तक। सो गाइस ये यहाँ तक डन था, अब आगे की बात करते हैं कि 1905 से लेके जब इंडिया आज़ाद हुआ तब तक का, ठीक है। यस गाइस कुछ डिस्टर्बेंस थी गाइस बाहर पे,
सो दैट्स वाई मैंने पॉज कर दिया था. सो यस हैव अ लुक. सो गाइस हमने देख लिया अब तक कि 1905 के पहले तक के जितने भी थे उनको हमने देख लिया. ठीक है. सो अब क्या है कि अब 1905 से लेके 1947 तक का, कर्जन के बाद से लेके 47 तक का जो जितने इवेंट्स हैं, जितने भी वायसरायज रहे हैं, उन सबको देखेंगे. ठीक है. सो कंसीडर एक कहानी ले लो यार कि मॉन्टी इज़ अ फादर. ठीक है. जिसका सन डिस्ट्रैक्ट हो चुका है, मान लो मॉन्टी इज़ अ फादर, उसके बारे में अब बाद में कहानी देखो. पहले देखो इसको पढ़ो. टू मिनट में हर कॉल रिकॉर्ड को रीड करके इरविन वाले सन को लाइन में लगाया. इरविन वाले सन, कोई तुक नहीं बैठता यार, कोई यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं बैठता, बट हाँ, दो मिनट में हर कॉल रिकॉर्ड को रीड करके इरविन वाले सन को लाइन में लगाया और बवाल कर दिया मॉन्टी ने कि यार मेरा लड़का तो डिस्ट्रैक्ट हो गया है, जो भी है. ठीक है. दो मिनट पता है क्यों लगाया? चाहता तो मिनट भी लगा सकता था, बिकॉज मिंटो, लॉर्ड मिंटो टू है ना, मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स आए थे, फादर ऑफ कम्युनल डिफरेंसेस इन इंडिया, लॉर्ड मिंटो. ठीक है. सो टू मिनट में हर कॉल रिकॉर्ड को रीड करके इरविन वाले सन को लाइन में लगाया और बवाल कर दिया मॉन्टी ने. ठीक है. मिंटो, टू मिनट में हर कॉल. ठीक है. हर कॉल से क्या हुआ? पहले हर से हर्डिंगे, लॉर्ड हर्डिंगे आ गया. ठीक है. कॉल रिकॉर्ड से आ गया. गाइस एक कॉल रिकॉर्ड, एक ही लड़का है, कॉल रिकॉर्ड है तुम्हारा, आपका चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड. दो मिनट में हर कॉल रिकॉर्ड को रीड करके इरविन वाले सन को लाइन में लगाया और बवाल कर दिया मॉन्टी ने. आई एम रिपीटिंग एवरी टाइम सो दैट आप 80% तो यहीं याद कर लो. ठीक है. को रीड करके इरविन वाले सन को लाइन में लगाया और बवाल कर दिया मॉन्टी ने. रीड से क्या हुआ? दो मिनट में हर कॉल रिकॉर्ड को रीड करके, रीड बोल तो लॉर्ड रीडिंग. ठीक है. इरविन वाले सन को, इरविन तो कम्प्लीटली इरविन आ गया, लॉर्ड इरविन यहाँ से देख लो, इरविन इरविन. ठीक है. वाले सन को, वाले सन कौन सा है? वाले देखो अंडरलाइन किया है इसलिए कि एक ही लड़का है, सॉरी गाइस, लड़का मतलब वॉइस राय. ठीक है. अब अपन जब रिविज़न करते थे, जब ग्रुप वगैरह में, तो इन्हीं सारे वर्ड्स का यूज़ किया करते थे, इन ट्रिक्स को यूज़ करके हम साथ में रिवाइज करते थे. सो दैट्स वाई, सॉरी फॉर माई फॉल लैंग्वेज गाइस. सो आपको अगर हेल्प कर जाए तो डजेंट मैटर. सो इरविन वाले सन को लाइन में लगाया और बवाल करते हैं मॉन्टी ने. वाले सन कौन सा है? लॉर्ड विलिंगडन, विलिंगस्टन या विलिंगडन जो भी कहते हो, को लाइन में लगाया. लाइन कौन सा है? ली लिंगथो, लॉर्ड लिंगथो. अभी हमने इसके वर्क्स देखे, इसके टाइम पे क्या चेंजेस आए थे. ठीक है. वावेल एंड माउंटबेटन, अब इंडिया आज़ाद हुआ था वावेल के टाइम पे, सॉरी माउंटबेटन के टाइम पे. ठीक है. सो वाले सन को लाइन में लगाया और बवाल कर दिया मॉन्टी ने. ठीक है. बवेल, माउंटबेटन और बवाल कर दिया. ठीक है. वाले सन को लाइन में लगाया, तो लगाया क्या हो गया? लीलिंग हो गया, लाइन में लगाया लीलिंग और बवाल. बवाल से क्या हुआ? बवाल से हो गया लॉर्ड बावेल. मॉन्टी कौन है यार? मॉन्टी है माउंटबेटन, जिसने सब कुछ आज़ाद कराया. ठीक है. सो मॉन्टी इज़ योर माउंटबेटन. गाइस मैंने ऊपर में कोई अगर शायद बोल दिया हो कि मतलब इंडिया की आज़ादी के टाइम पे वायसराय ये नहीं वो था, तो प्लीज़ करेक्शन कर देना गाइस, बिकॉज ट्रिक के चलते कुछ अगर राइट लेफ्ट हो गया तो प्लीज़ अपोलॉजीज इन एडवांस. सो हैव लुक. तो आपका बावेल से हो गया, फिर मॉन्टी कौन है? मॉन्टी है माउंटबेटन. सो यार आपका गवर्नर जनरल जो है, सारे के सारे अगर इस तरीके से रिवाइज करोगे गाइस तो सारे याद कर लोगे, राइट फ्रॉम 1773 से लेके 1947 तक. ठीक है. प्लीज़ कमेंट करके बताना गाइस, अगर इफ़ यू आर गेटिंग बेनिफिटेड, अच्छा लग रहा है, प्लीज़ कमेंट करो. हमारे बाकी जो प्लेलिस्ट है डिफरेंट टॉपिक्स पे, प्रीलिम्स के पूरे कोर्स का रिविज़न चल रहा है गाइस, बिकॉज हर टॉपिक में उसकी इन्फॉर्मेशन है, इफ़ पॉसिबल जहाँ पे भी वहाँ पे ट्रिक्स हैं. हाँ, करंट अपडेट्स अगर कहीं पे रह जा रहे हैं तो हम उसके लिए एक नई अपडेटेड सीरीज लेके आ रहे हैं गाइस, रिपोर्ट्स पे, बायस फॉर रिजर्व्स पे, वेटलैंड्स पे. ठीक है. सो हमारे काम को अगर अच्छा लग रहा है गाइस, सपोर्ट करो, लाइक करो, कमेंट करो. इफ़ यू नीड सम अपडेशन, सम यू नो वैल्यू एडिशन, सो प्लीज़ डू कमेंट. वी वुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट गाइस. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर.